हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फैशन हाउस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बैकग्राउंड रिमूवल साइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी में बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। आप जो सा चाहे फिर बैकग्राउंड अपना लगा सकते हो, बिल्कुल क्लीन और वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर लोगों के साथ में जो फ्लिपकार्ट अमेजन पर वर्किंग करते हैं, उनके प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक या अदर किसी चीज़ का आ जाता है तो वो फोटोज़ लेते नहीं हैं वहाँ पर। तो बैकग्राउंड किस तरीके से एकदम से क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल एक चुटकी बजाने पर ही बैकग्राउंड गायब हो जाएगा फोटो का। तो दोस्तों मैं आपको इसी साइट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस टाइप की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि मैं इस टाइप की जानकारियाँ आपको शेयर करता रहूँ। ये बहुत ही अच्छा अच्छी साइड है जिसमें से ये बैकग्राउंड गायब होता है। लोग काफ़ी देर तक लगे रहते हैं फोटोशॉप पे, कोरल ड्रॉ पे, बहुत सारा दिमाग खराब करते हैं और एक फोटो का बैकग्राउंड उसको क्लीन करने के लिए आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं और इसमें इतना क्लीन और अच्छा बैकग्राउंड सिर्फ 10 सेकंड में, ओनली चुटकी बजाते ही बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। बता देता हूँ मैं आपको, ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल में आपको टाइप करना है बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो ये साइड आ रही है remove.vg, ये बहुत अच्छी साइड है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपके सामने पेज खुल के आएगा। तो यहाँ इमेज अपलोड करने का ये ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे क्लिक करके अपनी कोई भी एक इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको इमेज भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये हमारे खुद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इमेजेस हैं, उसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लाइट पिंक जिस पे लिखा हुआ लाइट पिंक 1, इस पे देखिए दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंड जो है वो काले कलर का है, थोड़ा सा डार्क आ रहा है। तो मैं इसको अपलोड करके वाइट कर लेता हूँ। जैसे अपलोड करेंगे तो तुरंत ही ये आपके इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देगी ये साइड। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ दूसरा बैकग्राउंड लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एडिट है, एडिट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इमेज का कोई और भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे ये है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। तो इसमें कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है सेलेक्ट फ़ोटो, इसमें से कोई आप फ़ोटो भी इसके बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक बार देखता हूँ कि ये कैसा बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, वन क्लिक पे ही ये डाउनलोड हो जाएगी। सेव कर लेता हूँ पहले। ओके, तो ये फ़ोटो डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे आप देख लो किस टाइप से ये दिखती है। ये देखो इस टाइप से दिख रही है, इसमें आप देख रहे हैं एकदम बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और हम एक बार इससे कंपेयर भी कर लेते हैं, जो ये हमने अपलोड की थी फ़ोटो वो भी ओपन कर लेता हूँ एक साइड पे, जिससे आप लोग अच्छे से देख पाएँ कि क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मैं इसको भी एक बार देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना, ये साइड में कुछ ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इधर भी देखो थोड़ा सा ब्लैक है और इसमें देखो किस टाइप से, इसमें पूरा एकदम से सही है। देखिए आप, ठीक है, ये पूरी तरीके से इसका बैकग्राउंड सही है, पूरा वाइट है और इसका वाइट नहीं है। आप देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो देखो, है ना।